पांवटा साहिब से होकर गुजरती यमुना नदी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां विसर्जित की गयी। ये विसर्जन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया। उनके साथ सांसद वीरेंद्र कश्यप, प्रदेश के मंत्री राजीव सहजल व विधायक सुखराम चौधरी सहित प्रदेश के भाजपा नेता भी मौजूद रहे। इससे पूर्व यहां के रामलीला मैदान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शिमला से चली अस्थि कलश यात्रा दोपहर तक पांवटा साहिब पहुंची, जहां से अस्थि कलश को रामलीला मैदान में लाया गया। यहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सहित प्रदेश के नेता व स्थानीय लोगों ने वाजपेयी के अस्थि कलश को पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक युग पुरुष थे, जो अपनी नीतियों और कविताओं के माध्यम से हम सब में सदैव जीवित रहेंगे। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुँचे। उनका अंतिम 10 वर्ष सक्रिय राजनीति से परे और अस्वस्थ होने के कारण सक्रिय राजनीति से परे रहा, लेकिन 9 साल 10 साल बाद जब अटल जी अपने अंतिम यात्रा पर निकले, तो जो जन सैलाब उनको अंतिम विदाई के लिए निकला, वो अपने आप में प्रमाण है कि अटल जी करोड़ों करोड़ों लोगों के दिलों में कितने गहरे बसे हुए थे, इस बात का प्रमाण हमको मिलता है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए पांवटा साहिब से दिनेश पुंडीर की रिपोर्ट।